हम हॉस्टल में रहते हैं, हमको भूख लगा था। अच्छा, हम आ गए यहाँ पे खाने, आपको कोई दिक्कत? कैसा लग रहा तुम्हें प्लेट धोते हुए? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज हाजिर हुआ सऊदी अरब की कुछ जरूरी खबरें लेके। इसमें जो खबरें जो हैं थोड़ी अच्छी भी हैं और एक खबर थोड़ा सा डिसअपॉइंट करता है। मेरे को तो ये खबर थोड़ा पहली बार मिला है कि इस कुछ केसेस है, उस केस में जो है एक इंडियन जो है इन्वॉल्व पाया गया और उसको पकड़ा गया, अरेस्ट किया गया। तो वीडियो आखिर तक देखिएगा तो पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आएगी। और एक भाई साहब का जॉर्जिया से सवाल था ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग कि उनका जो है कफिल ने अभी तक इकामा नहीं बनाया है, तो किस केसेस में, किन केसेस में वो ट्रांसफ़र ले सकते हैं। तो उसको जो आजाद ने जवाब दिया उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में सबसे पहले मैं आप लोगों से जो न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा, एक न्यूज़ मैंने आप लोगों को कल बताया था पर्सनल विजिट वीज़ा के रिगार्डिंग। पर्सनल विजिट वीज़ा क्या होता है कल वाली वीडियो में मैंने बताया था, इसमें भी एक तरह से बता देता हूँ। एक जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के द्वारा सऊदी में एक तरह का नया वीज़ा निकाला गया है। कौन इसमें किसको बुला सकता है, लाइक इसमें जो है पर्सनल विजिट वीज़ा पर ये एक तरह का इनविटेशन होगा और इसमें कोई भी अरबी जो भी मतलब अरबी हो, जो स्पॉन्सर जो सिटीजन हो, वो चाहे तो किसी भी अपने दोस्त को या अपने मतलब बाहर के कंट्रीज़ में जो उनके जानने वाले दोस्त वगैरह रहते हैं फॉरेन कंट्री में, चाहे इंडिया पाकिस्तान या कोई भी देश हो, वहाँ से उनको इन्वाइट कर सकते हैं, उनको बुला सकते हैं पर्सनल विजिट वीज़ा पर। और उसके अलग अलग फ़ायदे होते हैं, वो चाहें तो पूरा अपने जो उनके रिश्तेदार रहेंगे जो पर्सनल विजिट वीज़ा पे जाएंगे उनके रिश्तेदार के वहाँ घूम सकते हैं, हज उमरा भी कर सकते हैं, मतलब कोई भी मनाही नहीं है, कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी मतलब कितने मतलब जितना दिन उनको रहना है वहाँ पे। तो जैसे एक नॉर्मल विजिट वीज़ा पे आदमी जाता है और जो जो चीज़ें कर लेता है वो कर सकते हैं, उसमें कोई भी मनाही नहीं है। अब ये वीज़ा जो है, ये अपडेट आज कौन सा देने वाला हूँ कि ये वीज़ा अप्लाई कैसे करेंगे, इसका प्रोसेस कैसा है, कैसे ये अप्लाई होगा। तो देखिए इसमें क्या होगा, सबसे पहले जो अरबी है, जो सिटीज़न है सऊदी का, वो जिन आदमी को बुलाना चाहता है जिन देश से भी, उनका पासपोर्ट डिटेल्स मंगाएगा और उसको जो है एक जो वेबसाइट है visamofa.se, यहाँ पे मोफा वीज़ा वगैरह चेक होता है, उसी पे एक नया ऑप्शन जुड़ गया है पर्सनल विजिट वीज़ा का। उस पर वो लॉगिन करेगा सबसे पहले वेबसाइट पे, वो उसके आईडी पासवर्ड रहती है, अपना आईडी जनरेट करके सिटीजन लॉगिन करेगा। लॉगिन करके वहाँ से पर्सनल विजिट जो है उस पर क्लिक करके वहाँ से वो उनकी पूरी डिटेल्स भर देगा, उस पर साइट पे पूरी डिटेल्स जो उनकी रहेगी पासपोर्ट के अकॉर्डिंग जो जो वहाँ पे मांगेगा वो वहाँ पे, और अपना रिलेशन के दोस्त है कितने दिन से जानते हैं, सब क्राइटेरिया भर के और फिल कर देगा। वहाँ से फिर उसको एक इनविटेशन जनरेट हो जाएगी, वो इनविटेशन लेटर जनरेट होगा, वो लेटर जो है वो जिस देश के भी वो रहेंगे उस नागरिक को देगा, और वो नागरिक जो है अपने देश में, मान लीजिए वो इंडिया का है तो इंडिया में जो ऑफिसेज ऑथराइज रहती हैं मोफा करने के लिए, वीज़ा स्टैंपिंग प्रोसेस करने के लिए कौंसुलेट में, उनको दे देगा, अपना पासपोर्ट देगा, फ़ोटो देगा, जो उनके चार्जेस रहेंगे उनको दे देगा। फिर उनका जिम्मेदारी रहेगा ऑफिस वाले का, वो जो है एजेंट जो रहेंगे वो उस वीज़ा को प्रोसेस करके कौंसुलेट में जमा करके वीज़ा स्टैम्प करा के उसको दे देंगे। बस ये प्रोसेस है, वीज़ा स्टैम्प हो जाएगा, फिर आदमी जो है अपना जो इंश्योरेंस वगैरह लेना रहता है लेगा, टिकट लेगा और चला जाएगा। ये एक सिंपल सा प्रोसेस है। तो जो लोग भी सऊदी अरब जाना चाहते हैं, एक नया प्रोसेस आ गया है पर्सनल विजिट वीज़ा का, काफ़ी अच्छा है, उस पर जा सकते हैं विजिट पे। इसके बाद से जो आपको बताया मैंने, एक डिसअपॉइंट करने वाली खबर आई है, मतलब एक इंडियन को पकड़ा गया है, नारकोटिक डिपार्टमेंट ने एक इंडियन को पकड़ा है जो बहुत सारे अपने गाड़ी में जो है छुपा के, कंटेनर में छुपा के बहुत सारे पौधे लेके जा रहा था। पौधे कौन से थे वो मतलब जो भी बैन चीज़ें रहती हैं ना, ड्रग्स जिससे उगाए जाते हैं, तो ड्रग्स वाले पौधे थे, जो ड्रग्स की खेती होती है, तो उस वो वाले पौधे लेके जा रहा था और उनको पकड़ा गया और उनको अरेस्ट करके अब तो उनकी लाइफ ये हो गई। तो जो भी इंडियन है या कोई भी है अगर गैर मुल्की, ये लोग बहुत कम पकड़े जाते हैं, लेकिन मैंने ये न्यूज़ जो देखा डिसअपॉइंट होने वाली, ये पहली बार ऐसा न्यूज़ देखा कि किसी इंडियन को इस केस में पकड़ा गया है और स्मगलिंग करते हुए, तो वह आदमी को जो है जेल होगा। लेकिन जो लोग भी रहे इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो तो अच्छा है, सऊदी अरब में ये सब चीज़ें बहुत चल रही है और बहुत लोग जो है उसमें इन्वॉल्व पाए जा रहे हैं। अब देखिए एक सबसे इम्पोर्टेंट थोड़ा सा डिसअपॉइंट करने वाली खबर ये भी है सऊदीजेशन को लेकर के, सऊदीजेशन लोकलाइजेशन, मतलब जो जॉब्स हैं वहाँ पे उनको लोकलाइजेशन किया जा रहा है, उन जो भी बाहर के लोग जो जॉब करते हैं उस जॉब को कट कर करके उसमें सऊदी लोगों को बिठाया जा रहा है जॉब करने के लिए। अब ऐसा एक डिसअपॉइंट करने वाली खबर आई है, जो सऊदी अरबिया के ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर हैं अल राजी नाम है उनका, उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया है कि अब जो है 170,000 सऊदी मर्द और औरत को, जो यंग लोग हैं उनको जो है जॉब पे रखा जाएगा, उनको जॉब दिलाया जाएगा, और ये जॉब जिस सेक्टर में भी दिलाया जाएगा उसमें भारी मात्रा में बाहरी लोग रहते हैं,
गैर मुल्की लोग रहते हैं, अब उनसे उन पोस्ट को खाली करा के फिर उन लोगों को जॉब पे डाला जाएगा, तो वो कौन कौन से सेक्टर होते हैं जिसमें से खाली कराया जाएगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो लोकलाइजेशन की जाएगी, 25,000 जो है जॉब कटौती होगी काट के, और अरबी लोगों को दी जाएगी इंडस्ट्रियल सेक्टर में। इंडस्ट्रियल सेक्टर में से 25,000 जॉब जो है कट ऑफ करके और उन लोगों को दे दिया जाएगा, गैर मुल्कियों के हाथों से दिया जाएगा सऊदी लोगों के हाथ में। 20,000 जो है हेल्थ सेक्टर में जो लोग काम करते हैं हेल्थ से, यानी मेडिकल वगैरह सेक्टर में, उसमें से 20,000 लोगों को हटा के अरबी लोगों को डाला जाएगा। फिर 20,000 जो ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक होता है, जो लॉजिस्टिक मतलब जो डिलीवरी वगैरह की सब चीज़ें होती हैं करते हैं, तो कुरियर वगैरह, तो उसमें जो है 20,000 उसमें कटौती होगा। उसके बाद से कंस्ट्रक्शन और रियल इस्टेट में भी कटौती होगा, कंस्ट्रक्शन के फील्ड और रियल इस्टेट के फील्ड में भी 20,000 लोगों की कटौती होगी। और 30,000 जो टूरिज्म होता है, टूरिस्ट सेक्टर की जो चीज़ें होती हैं, जो टूरिज्म को प्रमोट करने की जो ऑफिसेज वगैरह रहती हैं, जो सेक्टर रहता है, उसमें भी 30,000 नौकरियाँ जाने वाली है। और 15,000 और 20,000 ये जो है अलग अलग सेक्टर और भी हैं जिसमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो ये काफ़ी डिसअपॉइंट करने वाली खबर है। और गैर मुल्की लोगों का जॉब जहाँ तक मतलब, एक तो ऐसे ही कमी आ रही है और भी कमी आने की आशंका है आगे, लेकिन अल्लाह मालिक है, फिर देखते हैं। क्योंकि जो है वहाँ पे एक एयरपोर्ट भी बनने जा रहा है, सबसे बड़ा दुनिया का एयरपोर्ट बनेगा, हर साल 120 मिलियन लोग उसमें ट्रेवल करेंगे, उसमें 1,00,000 से ज़्यादा जॉब क्रिएट होने वाले हैं, तो उसमें भी जॉब आएगा। न्यूम सिटी बन रहा है, उसमें भी कुछ ना कुछ अलग से जॉब आएंगे। और देखिए, एक आखिरी में सबसे जो इम्पोर्टेंट है मैं वो आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, वो क्या है कि जवाजाज से भाई साहब ने, एक भाई साहब ने सवाल किए थे जवाजाज से कि मेरा जो है 6 महीना हो गया है मेरे कफ़ील के पास आके काम करते हुए, लेकिन अभी तक मेरे कफ़ील ने मेरा जो है इकामा नहीं बनाया है, तो मैं कैसे ट्रांसफ़र ले सकता हूँ। तो इस पे जवाजाज ने जवाब दिया है कि 3 महीने का प्रोबेशन पीरियड होता है, अगर 3 महीने के अंदर कफ़ील ने किसी का भी इकामा नहीं बनाया है तो वो फ्री हैं, कहीं भी कफ़ील या कंपनी चूज कर लें, वहाँ पे बात कर लें, अगर उनका सिलेक्शन या चीज़ें हो जाती हैं वो वहाँ पे ट्रांसफ़र ले लें। वो सारी प्रोसेस करने की आगे की जिम्मेदारी उनके नेक्स्ट जो कफ़ील हैं, अगले कफ़ील उनका रहेगा, वो कर देंगे। तो ये आप लोग कर सकते हैं। पहले से भी ऐसा था, अगर किसी का इकामा एक्सपायर हो गया और इकामा रिन्यूअल नहीं हो रहा है, ये तो नए लोगों का है, जो नए आदमी का इकामा बना ही नहीं, और जो पुराने हैं जिनका इकामा एक्सपायर हुआ और इकामा रिन्यूअल नहीं हुआ, वो लोग भी चाहे तो जो है एटरेंडम तुरंत वो लोग भी कहीं भी अपना जॉब ढूंढ के और स्पॉन्सरशिप ट्रांसफ़र करा सकते हैं। आखिरी में एक वीडियो आप लोगों ने स्टार्टिंग में एक वीडियो देखेंगे थोड़ा सा, वो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सोशल मीडिया पे काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है। उस वीडियो में क्या है, एक भाई साहब एक MBA का छात्र है और बिहार का वीडियो है। क्या आपके शादी में हम आए और हमको पता नहीं आपका नाम क्या है, घर कहाँ है, हम हॉस्टल में रहते हैं, हमको भूख लगा, हम आ गए यहाँ पे खाने, आपको कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, मतलब ऐसे चल रहा था वहाँ पे, तो हम सोचे क्या कि घुस के खा लेते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, बनाए नहीं थे। अच्छा, तो इसीलिए हम सोचे एक बार आपको बोल दें, ऐसे शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। हाँ एकदम, बस यही बोलना था। अब अपना हॉस्टल के लिए भी लेते जाना, हॉस्टल ठीक है खा लेते हैं, तो ठीक है, का बच्चा लोग के लिए भी गाल लेते जाना, एकदम ठीक है भैया, ठीक है। और वो गया हुआ है किसी शादी में बिन बुलाए बाराती बनके, तो बिन बुलाए बाराती बनके गया, तो उसको शायद लोगों ने पकड़ा, तो दूल्हे के पास बैठ के बैठा और उससे वीडियो बनाया कि हम आए हैं आपके वहाँ, हम पढ़ाई करते हैं MBA में, तो आज हम देखें यहाँ पे कुछ बारात आई हुई है, तो हम चले आए खाने के लिए, खाना नहीं बनाए थे, आपको कुछ तकलीफ है, कोई आपको दिक्कत है, हम खा सकते हैं, ये सब पूछ रहा, आप लोग देखे होंगे। तो उसने बोला कि हाँ भाई आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके जो है एक और वीडियो वायरल हो रहा है कि वो बर्तन धुलाए फिर उसको। कैसा लग रहा तुम्हें प्लेट धोते हुए? फ्री में खाना खाया तो कुछ तो करेंगे, MBA कर रहा हो तो घर वाले पैसे भी तो पहुंचाते होंगे ना तुम्हें, खाना खाने के लिए भी है? मैं बड़ा शानदार आदमी है, पढ़ा लिखा है, MBA करने आए हैं भोपाल, जबलपुर से आए, सम्राट कुमार नाम है इनका, और एक दावत में आई है साहब, फ्री में खाना खाया इन्होंने घुस के चोरी छुपके से, वो पकड़ा गए या प्लेटें धो रहे हैं। लेकिन जो मैंने ये वीडियो देखा, बर्तन धुलाने वाली वीडियो में, ये लड़का नहीं लग रहा है, डिफरेंट लड़का लग रहा है,
बर्तन किसी और से धुलाया गया, उसको भी शादी में पकड़ा गया है और उसका बर्तन धुलने के लिए दिया गया, वो किसी और कोई और लड़का है, वो चीज़ें आप देख सकते हैं। तो ये हंसाने के लिए आज में मैंने ला दिया, काफ़ी डिसअपॉइंटिंग खबर थी तो मैं सोचा हंस लीजिए आप लोग। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी कुछ अगली वीडियो में, समाप्त करते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।